आईपीएच विभाग करसों के ऑफिस के मात्र 300 मीटर पीछे सड़क में पानी की पाइपों से इस कदर पानी बह रहा है जिस कारण आम जनता का चलना मुश्किल हो गया है। साथ ही साथ गाड़ियां चलाने वालों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन विभाग गहरी नींद में सोया हुआ है। करसोग मुख्यालय को जोड़ने वाली इस सड़क की हालत खस्ता है। इस सड़क पर विभाग के कर्मचारी व अधिकारियों का भी आना जाना लगा रहता है, लेकिन फिर भी वे आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। जब विभाग से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जल्द ही इस पर कार्य शुरू हो जाएगा। यहाँ सबसे मेन बात क्या है, यहाँ पानी की कितनी समस्या है, पाइपें फटी है, कोई भी इस बारे में कोई नहीं समझ रहा है कि क्या है क्या नहीं है। और पाइप फटी है और बसें जा रही है, बसों का पानी सीधा जाए दुकान के अंदर आ रहा है और 3 महीने हो रहे, 3 महीने से कोई भी इसका समाधान नहीं हो रहा है कि क्या है क्या नहीं है। सारे कर्मचारी आ जाते हैं यहाँ से आ रहे जा रहे, उनको वो कोई सोची भी है जरा कि क्या है वहाँ पर हो रहा है, इसलिए इसके बारे में कोई भी समाधान किया जाए तो हम कार्रवाई करेंगे आगे जो भी बात है। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए करसोग से दिनेश कुमार की रिपोर्ट।